अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर। कादर भाई, आप एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक अगर FIR होते रहेगी ना, तब तक ना इन्वेस्टिगेशन है ना जो बैंक की, वहाँ से हटेगी नहीं, और तब तक ना सब प्रॉब्लम में ही रहेंगे। आप बहुत सही बोल रहे हो कि हम लोग को मोबाइल पर ही नहीं, जब सामने जाके आपा का फेवर करना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं तो ये बोलूँगी कि इतने तादाद में लोग चलो ना, कि वहाँ पर अगर शहबाज जो भी मिलता है ना, उनको पकड़ के मारो, क्योंकि जब तक वो लोग ना पब्लिक की मार नहीं खाएंगे ना, वो लोग सुधरने वाले नहीं है। अब कैसा है ना, उसकी हैदराबाद में दाल नहीं गल रही है ना, उसकी हैदराबाद में दाल नहीं गल रही है, इसलिए उसने दादर में संडे को मीटिंग रखी है कि मतलब यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं उन लोग को फंसाएंगे, क्योंकि उसको मालूम है जितनी FIR आएगी उतना टाइम बेनिफिट आने को लगेगा। और पब्लिक तो समझने वाली है नहीं, पब्लिक को तो पैसे से मतलब है, तो पब्लिक वही है कि भड़कती ही रहेगी, और भड़कते भड़कते बहुत से लोग FIR करेंगे, और FIR करेंगे तो उसका काम आसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग, आप बहुत सही बोल रहे हो ये बात कि हमको भी सामने आना चाहिए, पब्लिक को ऐसा चाहिए ना कि एक बार उसकी ना धुलाई कर दे, पकड़ के ना, कि वो दोबारा वो खुद ही समझ जावे कि भाई इधर मेरी दाल गलने ही वाले नहीं, चाहे मैं हैदराबाद में रहूँ या बम्बई में जाऊँ, जयपुर में जाऊँ, लखनऊ में जाऊँ, एनीथिंग कहीं पर भी जाऊँ मैं। इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ ग्रुप के लोगों से कि आप जितने लोग हैं आप जाइए, क्योंकि मेरे को भी जहाँ तक अंदर से खबर मिली है कि ना सब ये FIR की वजह से ना इन्वेस्टिगेशंस में और प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है ना कि जितना हो सके ना, तो वहाँ तो FIR का तो मतलब आप लोग सोचिए मत, क्योंकि जितना FIR बढ़ेगी उतना ही अपना पैसा मिलना मुश्किल ही होएगा शायद से। क्योंकि मैं जहाँ तक देखो, मैं भी कुछ जानकारी रखती हूँ, मेरे चचेरे देवर लगते हैं, वो भी ME हैं, वो भी यही बात बोल रहे थे कि पब्लिक अगर FIR करती है तो वो CBI की जो इंक्वायरी है वो हटेगी नहीं जल्दी बोलते हैं। तो इसलिए ना FIR का तो मतलब सोचना ही नहीं है हम लोगों को, सौ में सीधी बात। और दूसरी बात कैसे मालूम है, एक बार ना जब तक इसकी धुलाई नहीं हो जाएगी ना शहबाज खान की, ये सुधरने वालों में से नहीं है। एक बार जब ये मार खाएगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि मतलब मैं कहाँ पर मतलब टांग अड़ा रहा था अपनी। फैजान भाई, तो वही तो बोली ना, शहबाज को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो कैसा है ना, शिकारी खुद ही अपने जाल में फंसने के लिए आ रहा है शिकार, तो बम्बई आ रहा है ना, तो उसको मतलब कहीं जाके अपने को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो यहीं मिल रहा है, तो क्या क्यों ना उसका स्वागत किया जाए। मेरा भी दिल यही कह रहा है, क्योंकि जब तक उसको पब्लिक की मार नहीं मिलेगी ना, वो सुधरने वाला नहीं है मेरे को तो लग रहा है। और उसको ना मतलब यहाँ पर मतलब मैं ये भी बोलूँगी कि उसके सपोर्ट में भी बहुत से लोग रहेंगे, ये भी अपने को सोचना है, लेकिन तभी भी उसको एक बार तो मारना ही है। अगर जब तक वो मतलब पब्लिक के हाथों मार नहीं खाएगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा, वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगी, और उसकी हरकतों की वजह से ही सबको झेलना पड़ रहा है, और यही सच है। सनौला भाई, ये किसने मीटिंग रखी है दादर में, मतलब ये कोई लेडीज है, यास्मीन करके कुछ नाम है ना उसका, कौन है ये, मतलब कुछ आइडिया है आपको, मतलब कुछ इंक्वायरी निकालो ना इसकी, ज़रा मतलब इसकी टांग खींचते ज़रा, ये कौन है मतलब जो बोल रही है कि हम लोग मतलब शहबाज खान आएगा मिलने के लिए ऐसा वैसा, ये लेडीज़ कौन है, और मतलब कहाँ से मतलब ये कर रही है ये सब, ज़रा थोड़ी इंक्वायरी निकालो ना शहबाज भाई की, बदला ज़रा उनका स्वागत करने का दिल तो हो रहा है बहुत, मतलब अगर अगर वो आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि आज सुबह में ही मुझे वो ME का फ़ोन आया था, तो खुद उन्होंने सामने से फ़ोन किया था, तो मेरे ME भी वही बोल रहे थे कि मतलब ये डेट इसलिए बढ़ रही है ना, कि मतलब ना इन लोग मतलब बहुत से लोग ना अंदर ही अंदर FIR कर रहे हैं, मतलब शहबाज खान से मिल मिल के, और ये ऐसे ही कर रहा है कि हर जगह जा जा के ना FIR करने पे ना लोगों को मतलब लोगों के दिमाग में कीड़े डाल रहा है, और कुछ नहीं, समझे ना। और इसकी वजह से ही ना जल्दी हो नहीं रहा है, तो आपा भी क्या कर सकती है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट ही है, तो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट अगर ऐसी आती रही FIR तो वो कैसे वो सील हटेगी उनके अकाउंट पे से। अरे मैडम, तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए हमको, तुम जाके नोएरा के गोद में बैठ जाओ, समझे, तुमको कितना पैसा दी उसने, हाँ कंप्लेंट नहीं करेंगे, हर बात एक नई कहानी बताते क्या, हाँ पहले बोले GST, फिर बोले के बैंक के रूल्स, हाँ अभी बोलते कि कंप्लेंट हो रही तो तुम्हारे को ट्रांसफर के लिए प्रॉब्लम हो रही। अरे एड़ा वेड़ा समझ रहे, घू खा रहे समझ रहे क्या, तुम घू खाते रहेंगे, तुम जाके खाओ नौरा का घू, हमारे को मत बोलो, और मेंबर है तो तुम अपना IGB नंबर बताओ। सचमुच अगर
एक ही बाप की औलाद रहेंगी, तो तू आ जाना और तेरे शकील भाई, अखिल भाई, जितने भी भाई है सबको लेके आ जाना। शहबाज भाई को हाथ भी लगाना, हाथ लगाना बहुत दूर की बात है रे, उंगली भी किसी ने लगा दिया ना, औरत हो या आदमी, नहीं नंगा करे तो फिर पता चलेगा तुम लोगों को किससे पाला पड़ा है। आके देखना अपनी माँ और बाप की एक एक ही की औलाद हो तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये आपा जो नोएरा शेख की फेवर कर रही है, मुझे लग रहा है कि भाई नोएरा शेख ने इसके नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी करके रखी है। मैं तो बोलता हूँ भाई इसको पकड़ो, इसको भी टारगेट करो और इसका भी प्रॉपर्टी जब्त करवाओ, अकाउंट सीज करवाओ इसका भी। मेरे को लगता है इसके नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी आपा ने डाल के रखी है। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम। आप कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो आप अपनी आपा की तलबदारी कर रही है ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हैं आप। आपको मालूम है आपकी आपा ने कितने सारे लोगों का पैसा रोक कर रखा हुआ है? उसमें डायलिसिस पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, लोग बेघर हैं, यतीम हैं, समझे? तुम्हारी आपा जो अल्लाह 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 इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सब बोलते रहती है ना, अल्लाह का जब कहर बरसेगा ना तो तुम्हारी आपा कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि हजारों लोगों की बद्दुआएं लगेंगी उसको। उसको ना बेवकूफ़ है वो, इतनी बड़ी नोएरा शेख इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, इतनी बड़े लोगों को धोखा दे रही है और लोगों को चला रही है, उसको अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। अगर उसको अक्ल होती ना मालूम है वो क्या करती, 2018 वाले और 17 वालों का पैसा नहीं रोकती, समझी? उसका पैसा नहीं रोकती, उन लोगों को पैसा भेजती और उन घरों की हेल्प करती जो पेशेंट्स हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिन्होंने लालच में आके पैसा डाल दिया या गोल खरीदा या जो भी कुछ किया, उन लोगों ने एक भरोसे के ऊपर इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा कदम उठाया। तेरी नोएरा शेख को समझा कि अभी भी अक्ल है, तू 2017 और 18 वालों का पैसा शुरू कर, समझी? शुरू कर, नहीं तो ये तुम्हारी जो और नस्लें आएंगी ना उनके कैसे बच्चे पैदा होंगे, क्या होंगे, इसका अंदाज़ा नहीं है। खुदा का जब कहर बरसता है ना तो इंसान लरसता है, ज़मीन और आसमान लरसता है, इतना ध्यान में रह के चलना। तू बोलती ना आपा का सपोर्ट करो, कौन सपोर्ट करेगा बता, तू बता दे कौन सपोर्ट करेगा? कंप्लेन मत करो, ये मत करो, आपा का साथ दो। आपा देखने आ रही है किसके घर में क्या हो रहा है? आपा को कुछ भी मालूम नहीं है, वो बैठी हुई सिर्फ लेक्चर दे रही है यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ टाइम दे रही है, डेट दे रही है। उसको बोल, उसको बोल तेरे इलेक्शन प्लेक्शन सब गया भाड़ में, लोगों की मदद कर, वरना कब तू कैसे अल्लाह के कहर में नाजिल होगी तेरे को मालूम भी नहीं है, समझे? इतना ध्यान में रख, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं लोगों की तकलीफ देख रही हूँ, रोते हुए तड़पते हुए लोगों को देख रही हूँ, इसके लिए इतनी स्पीड दे रही हूँ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी, समझे? अल्लाह हाफिज। ए तू कौन है रे, कौन है? डल्ली है शाहनवाज की या किसकी है? ये नोएरा शेख की, शाहनवाज के, यास्मीन के, इसके उसके पीछे पड़ गई, इंक्वायरी निकालने की बात कर रही है तू? तू मुंबई में आ जा, जहां पे भी आए फिर तेरे को देखते और तेरी आपा को देखते, समझे? तू मुंबई में आ जा थाना में, तेरे को मैं बताती खाली अकेली, सबके एड्रेस भी देती और सबके घर लेके जाती तुझे मैं। तू मुंबई में आ जा सिर्फ, तब तेरे को बताती। ये श्यानी दादा, श्यानपति मत दिखा, तेरी आपा 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 सारी घुस जाएगी 21 में। जब जलजला आता है ना तो तेरी आपा, नोट, करोड़पति, फिल्म इंडस्ट्री, दुनिया वाले, पैसे वाले सब रह जाते एक ही ताक में, समझी? तू ये सारी होशियारियां मत कर, बैठ के सीधे सीधे तेरी आपा को एक राय दे। अगर तू उसके करीब है कि जो गरीब है ना उनका पैसा मत रोक, उनका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अकाउंट में पैसा डाल, और तू ये दुनिया को बता मत, इंक्वायरी निकाल, वो निकाल, तेरे को मालूम नहीं है ये हिंदुस्तान है या कुछ भी होता है? कुछ भी का मतलब समझती है ना, कुछ भी होता है, ये हिंदुस्तान है। तू एड्रेस बता तेरा, चल हम लोग उधर आते, हाँ हम तेरे घर पे आते, तेरा एड्रेस दे चल। तू दादर की बात मत कर, शाहनवाज की बात मत कर, यास्मीन बाजी की बात मत कर, चल तू थाना में आ जा, खुला हुआ चैलेंज है, चल आ जा थाने में, आ जा थाना में आ जा तू, और तेरे को फिर देख लेते, तेरे को देख। सलाम अलैकुम। अभी मैं ये मोहतरमा का वो सुना कि इन्होंने बयान दिए, कंप्लेन मत करो, तो फिर इनसे पूछिए करना क्या है। हाँ शहबाज खान, शहबाज खान बोल के जो इन्हों पीछे पड़े हुए है, शहबाज खान किसी की मदद कर रहा है और इन्हों जाकर आपा के गोद में बैठे हुए हैं और आपा इनको काफ़ी
सपोर्ट करे जैसा दिख रहा मोहतरमा को, शहबाज खान ठुकरा दिए जैसा इनको। अरे जिसके घर का पैसा लगा, जिसके पैसे लगे उनसे पूछो मोहतरमा आपका क्या गया, क्यों आप ज़बरदस्ती के ये कुछ पैसों की खातर अपने आप को बेच रहे हैं, हाँ लोगों को नाहक के गलत सलत बयाना दे रहे हैं। क्या कर लेते आप शहबाज खान का, क्या उखाड़ लेने वाले हैं शहबाज खान का? शहबाज खान को इतने लोगों की दुआएं हैं, उसको आपा को आपकी किसकी दुआ है, सबकी बहुत दुआ ले रही उन्हें, किसकी अच्छाई में करी, इलेक्शन में ठहरी करते अब जाके, क्या करती करते इलेक्शन में ठहर के किसका पैसा लगाती? अरे लोगों के पैसे तो दे, पहले पैसे देने की हिम्मत नहीं है उसमें, उसको शर्म आना चाहिए और आपको भी शर्म आना चाहिए इस किस्म के लोगों के सामने बयानात देने। लोगों के घरों के हालात जानते हैं आप? सिर्फ खाली आपा की चमचागिरी करने में कुछ पैसों की खातर अपने आप को बेचना चाह रहे हैं, शर्म आना चाहिए आपको। बेहूदे पने की गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा करिए शहबाज खान तो बॉम्बे में मारे के तो मुर्गी का बच्चा है शहबाज खान को मारने के लिए, आएंगा क्या उखाड़ लेते आप, उखाड़ लीजिए। शहबाज खान आया तो हैदराबाद में आके करिए ना, आइए उसके चाहने वाले इतने लोग हैं, करिए क्या करते करिए, देखेंगे। अरे जिसके जिसको तकलीफ होती, जिसका पैसा लगा हुआ है उसकी जाके CCS में कंप्लेन मत करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, करना क्या, कितने दिन उसके लिए खामोश बैठना बताइए। आप लोगों को शर्म आना चाहिए इस किस्म के बयानात देने के लिए, अपने आप को मुसलमान बोल रहे हैं। अगर तो मेरे को पहले तो आप मुसलमान नहीं दिख रहे, अगर मुसलमान है तो इस किस्म के बयानात नहीं देते, शर्म आना चाहिए आपको। अरे वो आपा, मैं शिकारी नहीं, मैं शिकार करने वाला हूँ। तेरे आपा का कई वक्त शिकार कर चुका हूँ, देखी नहीं? तो कोर्ट में रहने दो, सोशल मीडिया पे रहने दो, सुबह उठते ही मेरा नाम लेना है, सोते ही मेरा नाम लेना है। तुम लोग मासूम इन्वेस्टरों के पैसे डुबा के तमाशा नहीं होने दूंगा मैं इंशाल्लाह, और आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। तुम लोग कहीं से भी कोई ऑर्डर ला लो, कहीं से भी कुछ कर लो, और तू मुझे धमकी दे रही है, तू तेरी औकात देख, हाँ सूद खाने वाली, लोगों के पैसों पे टुकड़ों पे पलने वाली, मासूम इन्वेस्टरों के गरीबों के पैसे खा के बैठने वाले तुम लोग मेरे बारे में बोल रहे हो, हाँ अपनी औकात देख, 100 चूहे खा के जो है बिल्ली हज को निकली, देख अपने घर में सूद का पैसा खा रही है। अल्लाह ताला तेरी आल औलाद को बर्बाद कर देगा इंशाल्लाह, तेरे जिस्म पे कीड़े पड़ेंगे, तेरी आल औलाद के और तेरे चाहने वालों के जिस्म पे कीड़े पड़ेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी बाकी रही तो तेरा नंबर है, ज़रूर तुझे सबक सिखाऊंगा बॉम्बे आकर इंशाल्लाह। ये जो आपा है इसका जो भी नाम है टेलीफोन नंबर है, अब बॉम्बे में जो भी लोग अब कंप्लेंट कर रहे हैं ज़रा इस आपा का नाम और टेलीफोन नंबर ज़रूर अपने कंप्लेंट में लिखें, और ताकि ये आपा भी कोर्ट के चकरा खाए और ये आपा को पता चले के मुसलमानों के पैसे दबा के बैठना और ये खाली बयानबाजी, 2-3 फ्लैट खरीदी है ये पता चला है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के डिटेल्स मंगाया हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे, लिहाजा हाई कोर्ट के केस में इस आपा का भी उसके बेनामी प्रॉपर्टीज़ में नाम लिख देंगे। और मेहरबानी करके बॉम्बे में जो लोग नए कंप्लेंट कर रहे हैं इस आपा का नाम और टेलीफोन नंबर ज़रूर कंप्लेंट में लिखें।